चार दिवसीय गोरखपुर जोन की 62वीं अंतरजनपदीय वैज्ञानिक अनुसंधान एवं पुलिस फोटोग्राफी प्रतियोगिता में बुधवार को पुलिस कर्मियों को घटना स्थल की फॉरेंसिक जांच तथा घटना स्थल का डेमो प्रदर्शित किया गया, जिसे प्रतिभागियों ने एक एक बिंदुओं का तफ्तीश करते हुए अपने कार्य कुशलता का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में 11 जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया। आपको बताते चलें कि पुलिस छानबीन में फोटोग्राफी का बहुत ही महत्व होता है। छोटी छोटी बिंदुओं पर फोटोग्राफी के माध्यम से जांच की जाती है और मुजरिमों को पकड़ने में आसानी होती है। खासकर दहेज हत्या के केस, अज्ञात मिली लाशों की शिनाख्त, मर्डर में मुजरिमों तक पहुंचने में फॉरेंसिक टीम के साथ फोटोग्राफी की विशेष महत्व होता है। चार दिवसीय प्रतियोगिता में फोटोग्राफी की प्रत्येक बिंदुओं की पड़ताल होगी तथा समापन अवसर पर उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विधि विज्ञान प्रयोगशाला के डिप्टी डायरेक्टर सुरेंद्र चंद्र ने बताया। वैज्ञानिक अनुसंधान एवं पुलिस फोटोग्राफी प्रतियोगिता का संचालन किया जा रहा है गत वर्ष की भांति। यह प्रतियोगी परीक्षा प्रतिवर्ष जो है पुलिस के जो विवेचक है वो सब उप निरीक्षक और निरीक्षक आरक्षी और मुख्य आरक्षी, चूँकि वैज्ञानिक पद्धतियों का विधियों का जो है विभिन्न प्रकार की घटनाओं में केसों में विवेचना किस प्रकार से की जाए, उसलिए यह प्रतिवर्ष जो है आयोजित की जाती है, ताकि जो है पुलिसजनों के बीच में और उनका नॉलेज जो है उनका ज्ञान वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रति जो है अपडेट हो सके। विवेचना में विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनमें अनेक प्रकार की जो वैज्ञानिक विधियां हैं पद्धतियां हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स है और रक्त से संबंधित परीक्षण है, वीर से संबंधित परीक्षण है और बुलेट से संबंधित परीक्षण है। घटनास्थल पर विभिन्न प्रकार के जो भौतिक और रासायनिक और बायोलॉजिकल साक्ष्य पाए जाते हैं उनके संग्रह करने में विवेचकों को क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए, इन सब चीज़ों को अपडेट करने के लिए प्रतिवर्ष यह परीक्षा प्रदेश में जो है सभी जोनों पर आयोजित की जाती है अंतर जनपदी। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो है हमारे पुलिस के विवेचक उप निरीक्षकगण और निरीक्षकगण यह जो है घटनाओं को ठीक से निरूपण कर सके और अधिक से अधिक वैज्ञानिक पद्धतियों का जो है प्रयोग कर सके, इसका मुख्य उद्देश्य यह है।